हेलो डियर स्टूडेंट, आज 2 फरवरी है और आज के हम क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लेकर आए हैं आपके लिए। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं, बनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी है, सीडीएस है, पीओ है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी काम आने वाले हैं। और जो आज हमने क्वेश्चन लिए हैं वो बजट से क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले बजट शब्द की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड, भारत, चीन एवं रूस। तो उसमें आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले बजट शब्द की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत में सबसे पहले बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई? यानी जब भारत में बजट इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम, उस समय कौन वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। तो जिस समय बजट की शुरुआत हुई उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संविधान के किस अनुच्छेद में बजट संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 114। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो उसका राइट आंसर है अनुच्छेद 112, यानी 112 अनुच्छेद में बजट संबंधी प्रावधान किए गए। और एक मैं बात आपको बता दूं कि बजट शब्द कहीं भी संविधान में प्रयोग नहीं है, वित्तीय दस्तावेज प्रयोग किया गया है, तो ये ध्यान रहे। नेक्स्ट है, इसमें राज्यों के लिए बजट संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए? यानी जो केंद्र के लिए प्रावधान है वो 112 में है, और जो राज्यों के लिए बजट संबंधी प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? 212, 206, 202 और 201। तो उसका राइट आंसर है 206 अनुच्छेद में, यानी अनुच्छेद 206 में राज्यों के लिए बजट संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसके निर्देशन पर लोकसभा में बजट पेश किया जाता है? यानी जब बजट पेश करना होता है तो उसके लिए कौन रिकमेंड करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद? तो बताना है कि कौन सा व्यक्ति है जो बजट पेश करने के लिए कहता है, तो वो है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संसद में बजट पेश करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस तिथि को भारत में बजट पेश किया जाता है? यानी जो आजकल बजट पेश किया जा रहा है वो किस डेट को पेश किया जा रहा है? 1 फरवरी, 5 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी। तो वो डेट पूछ सकता है, क्योंकि बजट पेश करने की डेट, पहले डेट कुछ और थी, अभी कुछ सालों से डेट में बदलाव आया है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तारीख को बजट पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार रेल बजट एवं आम बजट को अलग किस वर्ष किया गया? यानी पहले क्या था कि रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए जाते थे, बीच में इन्हें अलग कर दिया गया, और फिलहाल अभी वर्तमान में भी इन्हें एक साथ कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया? तो उसका आंसर है 1925, यानी 1924 में इसके प्रावधान किए गए और 1925 में इसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पी चिदम्बरम को, अरुण जेटली को या मोरारजी देसाई को? क्वेश्चन ये है कि अब तक भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो राइट आंसर है मोरारजी देसाई।
तो मुरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1947 के बाद जो पहला बजट पेश किया गया वो किसने किया? सन मुखम सेट्टी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम के मुंशी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका राइट आंसर है सन मुखम सेट्टी। तो ये ध्यान रखना है, सन मुखम सेट्टी इसका राइट आंसर है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गणतंत्र भारत 1950 में सबसे पहले किस मंत्री ने बजट पेश किया था? यानी 1947 के बाद सन देशमुखम ने किया, और जब देश में संविधान लागू हो गया, गणतंत्र हो गया, उस समय किसने किया? तो पहला आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो उसका राइट आंसर है जॉन मथाई। तो जॉन मथाई ने पहली बार गणतंत्र के बाद ये बजट पेश किया। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन, और हम कोशिश करेंगे डेली इस तरह क्वेश्चन आपको दे सकें। और ये क्वेश्चन वो हैं जो वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ कि PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डेली डाउनलोड कर सकते हो आप PDF फाइल भी। ठीक है, तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में मिलेंगे।